इधर झाबुआ में कांग्रेस को झटका लगा है। विक्रांत भूरिया के करीबी नेता हैं विजय भाबर, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है। विक्रांत भूरिया के करीबी विजय भाबर बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन जमा फॉर्म जमा करवाने के लिए पहुंचे। सीएम के साथ साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी इस दौरान मौजूद रहे। खजुराहो और सूरत सीट पर नामांकन को लेकर उठापटक से कांग्रेस अलर्ट मोड में है। उज्जैन में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के एक उम्मीदवार दीपिका सुरेंद्र मर्मट का एक डमी नॉमिनेशन करवाया गया है। आपको बता दें कि अगर किसी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो दूसरी उम्मीदवार दीपिका सुरेंद्र मर्मट चुनाव मैदान में बीजेपी उम्मीदवार अनिल फिरोजिया को चुनौती दे सकेंगी। खंडवा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार भी खजुराहो और सूरत के मामले को देखते हुए अलर्ट नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने भी 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से एक डमी उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें खंडवा सीट पर चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। मैंने अपने 4 सेट में डालना था तो 2 सेट आज फॉर्म पुनः भर दिए गए हैं और एक हमने डमी फॉर्म भी कांग्रेस पार्टी से ओर से भरवाया है किशोर महाजन जी का। ये प्रक्रिया इसलिए इतना करना पड़ रहा है खजुराहो में और सूरत में जिस प्रकार से फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिए और एक पार्टी को अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित किया, इसको देखते हुए हमने डमी फॉर्म भी आज भरवाने का भरा है।